हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गणेश जी के प्रिय मोदक की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर के स्वादिष्ट से मोदक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नेस्ले एवरीडे का डेयरी वाइटनर लिया है, जिसे हम मिल्क पाउडर भी बोलते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये वज़न में 200 ग्राम है, जिसमें से हम पूरा पैकेट यूज़ नहीं करने वाले। अगर आपको पूरा ज़्यादा बनाने हो तो आप पूरा पैकेट ले लें। मैंने ये आधा पैकेट लिया है, लगभग 100 ग्राम लिया है मैंने। 100 ग्राम में ये एक बाउल, आप बाउल से मेज़रमेंट कर सकते हैं मिल्क पाउडर को। एक बाउल मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, आधा बाउल मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है, जितना दूध है उसकी आधी मैंने यहाँ पर चीनी ली है। और यहाँ पर कुछ केसर के तार को गर्म पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, पिस्ता, जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखे हुए हैं। दूध आप आधे बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी। पहले आप घी को अच्छे से गर्म होने दें, अच्छे से घी को मेल्ट होने दें। अगर आप छोटी चम्मच घी डालते हैं तो 2 चम्मच डालें, थोड़ी सी बड़ी फुल भर के डालते हैं तो 1 चम्मच ही इनफ है। घी पहले अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये दूध। ये दूध मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे मावे को तब ये रेसिपी बहुत कम हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये केसर के तार, भिगे हुए केसर के तार, जिसको कि हमने गर्म पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ था, इससे कि इसका कलर जो है अच्छे से छूट जाए। बस हमें दूध को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 उबाल आ जाए, बस इतना ही हमें इसे दूध को पकाना है, इतना ही उबालना है हमें। ये देखिए सिर्फ 1 से 2 उबाल ही आए हैं दूध के अंदर, और केसर ने भी रंग छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने इसे पहले से गर्म पानी के अंदर भिगो कर रखा था। बस इसी टाइम पर मैंने इसमें डाल दिया है ये चीनी पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये इलायची पाउडर। अगर आप यहाँ पर साबुत चीनी भी डालना चाहें तो भी आप इसमें डाल सकते हैं, चीनी पाउडर डालना कंपलसरी नहीं है, जैसी आपकी चॉइस। बस हमें यहाँ पर सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 2 मिनट। जैसे हमारी चीनी मेल्ट हो जाती है, एक उबाल आ जाता है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर। जैसे आप मिल्क पाउडर डालेंगे, आपको ये इस टाइम पर थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे, मुश्किल से 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाएँ, और मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली आप इसे चलाते हुए पकाना है। धीरे धीरे ये थिक होने लग जाएगा। ये देखिए ये अभी से थिक होने लगा है। देखिए जब तक ये इस कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, ये इस तरह से इतना थिक ना हो जाए, तब तक आपको उसको पकाना है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट ही लगे हैं मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते हुए, और ये इतना थिक हो गया है। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से फैलाते हुए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए अच्छे से इसे फैला लेना है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और जब यह नॉर्मल ठंडा हो जाए, तब आप इस पे चूल्हा को हल्का सा घी से ग्रीस करके इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो बना लें इसका। अगर आप ये काम हाथ से करते हैं तो हाथ को भी अच्छे से घी से ग्रीस करें, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुठली या लम्स रह गया हो तो उसे आप अच्छे से मेश कर लें। अच्छा सॉफ्ट सा डो बनना चाहिए हमारा, मोदक में किसी तरह की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैंने अच्छे से डो बना कर रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है मोदक मोल्ड, इसको सबसे पहले हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम इसमें फिल करेंगे मावा। मैं आपको 2 तरीके से मोदक बनाना बताऊंगी, आप रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा कि किस तरीके से हम मोदक बना सकते हैं मोल्ड के अंदर ही। 2 तरीके से जो भी आपको ईजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। पहले इस तरह से मावे को एक तरफ आपको रखना है, अच्छे से प्रेस करना है। देखिए कुछ इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से प्रेस करते हुए आपको मावे को फिल करना है, अच्छे खासे क्वांटिटी में आपको इसे फिल करना है। ये देखिए जब दोनों तरफ से आप इस तरह से मावा फिल कर लें, उसके बाद आप इसके सेंटर में इस तरह से रख दें ड्राई फ्रूट्स। आप जितना चाहे उतना ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस करें। ये देखिए एक्स्ट्रा जितना भी मावा होगा उसे आप इस तरह से साइड से निकाल लें, और फिर से इसे अच्छे से पैक कर दें, और इस तरह से नीचे से थोड़ा इसे प्रेस कर दें, ताकि अच्छे से प्यारा सा मोदक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। साइड्स का एक्स्ट्रा मावा आप ऊपर नीचे सब तरफ से अच्छे से निकाल लें,
और इस तरह से इसे हल्के हाथ से खोले। ये देखिए कितना अच्छा मोदक हमारा बनकर तैयार हुआ है। जब आपका मोदक इस तरह से दूसरी साइड से न निकले तब आप इस तरह से अंगूठे की हेल्प से नीचे से ऊपर की तरफ इसे निकालें, बहुत ही आसानी से आपका मोदक निकल कर बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा मोदक कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। बस अब मैं आपको दूसरे तरीके से मोदक बनाना बताती हूँ। और फिर से हम ये मोल्ड लेंगे और इस तरह से मोल्ड को बंद करने के बाद इसके अंदर फिल करेंगे ये मावा। मावा अच्छी तरह से फिल करने के बाद इसके अंदर फिल करेंगे ये ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स फिल करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से फिल करेंगे ये मावा। और मावे को अब अच्छी तरह से फिर से प्रेस करना है। जब हमने फर्स्ट मोदक बनाया था उसमें हमने मोल्ड को खोलकर उसके अंदर मावा फिल किया था, और इसमें मोल्ड को बंद करने के बाद हमने इसके अंदर मावा फिल किया है, फिर स्टफिंग इसके अंदर भरी हमने। ये देखिए अब इसे हम आहिस्ता से खोलेंगे। ये देखिए आपका मोदक जो है कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से मोदक बना सकते हैं। चाहे तो मोल्ड को बंद करके फिर मावा फिल करें फिर मोदक बनाएं, या फिर इसे खोल कर बनाएं। दोनों तरीके से आपके मोदक जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे, जो आपको सही लगे। मावा मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है गणपति पापा को भोग लगाने के लिए। मावा मोदक फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल आपको मेरी हर रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इंग्रेडिएंट्स में। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।